अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 से रिलेटेड मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए 1 प्लस डी अपॉन एफ। डी का फॉर्मूला है लीस्ट डिस्टेंस, डी बराबर है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और अगर आप मिलीमीटर में मेजर करेंगे तो ये 250 mm है। और f बराबर है फोकल लेंथ, जो भी लेंथ आपको गिवन होगा उसकी फोकल लेंथ के बराबर जो है f को ले लेंगे और d जो होगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के बराबर होगा। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास बुक के अंदर नहीं है, बुक के एग्जांपल में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पास पेपर से कुछ क्वेश्चन लेते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं 2017 का, और 2017 के अंदर क्वेश्चन नंबर ईयर 2017 और पास पेपर के अंदर है ये क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल है अ लेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज टू बी यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपके पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, f is equal to 2 centimeter. How far from the lens should the object be placed? आप object को lens से कितनी दूर रखोगे? आपने p मालूम करना है, क्योंकि आपको पता है कि object distance कहलाता है। And what is its magnifying power? और आपने क्या चीज find out करनी है? Magnifying power find out करनी है। तो जैसे कि हमने last अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो आपके पास डी की वैल्यू जो हम मिनिमम ले रहे थे या जो वैल्यू हम ले रहे थे 25 सेंटीमीटर, यही आपके पास इमेज डिस्टेंस होता है, मतलब कि क्यू भी आप 25 सेंटीमीटर ही लेते हो। तो जो वैल्यू डी की होगी वही वैल्यू आपके पास इमेज डिस्टेंस की होगी। और दूसरी चीज, जब हम डी लेंगे तो d की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे और जब q लेंगे तो q की जगह -25 रखेंगे, क्योंकि इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हमेशा वर्चुअल बनता है। अगर यहाँ पे इसकी डायग्राम बना के सब थोड़ा सा डिस्कस कर लिया हम लोग, तो ये आपके पास लेंस आ गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से ये एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, तो जब आप इसको मोड़ोगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल रेस कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे देखूंगा तो आपका जो इमेज है वो इमेज कहां बनेगा? यहां पीछे किसी पॉइंट पे बन जाएगा ऐसे। तो आपके पास ये इमेज बनेगा यहां पे, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहां पे बन रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आपके पास, इसे आप क्यू भी बोलोगे और इसे आप डी भी बोलोगे। अच्छा जी, जब आप इसे क्यू बोलोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास वर्चुअल इमेज बना है, क्योंकि लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बना है। तो जब भी ऐसा केस हो कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हो उसी तरफ इमेज बने, तो क्यू की वैल्यू आप माइनस में लेंगे, टू इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर यहां पे हम ले लेते हैं, टू इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सबसे पहले मैं यहां से पी निकाल लेता हूं, फिर इसके बाद मैं मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लूंगा। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 25। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 25। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस नंबर को, इस वैल्यू को हम यहां से लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 अपॉन 2
प्लस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन t. एलसीएम ले लेंगे हम यहां पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर में यूज कर लेते हैं इसे, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 25, तो ये वैल्यू आ रही है 27 अपॉन 50. हमें क्योंकि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसे डिवाइड करेंगे, ये 27 अपॉन 50 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आपके पास आंसर आ गया 1.85 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गए p की वैल्यू. अब हमें क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालनी है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी की वैल्यू होगी 25 और इसकी वैल्यू होगी 2 फोकल लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आएगा 13.5. मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा तो ये आपके पास इसके आगे मैग्निफिकेशन 13.5. तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कॉपी कर लें इसे और इसके बाद हम साथ साथ इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं. तो एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि बाकी के जो क्वेश्चन है तो आप लोग कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी रहेगी. दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2014 के अंदर भी आया है. अ वॉचमेकर यूजेस अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर टू सी द डैमेज स्प्रिंग ऑफ अ वॉच. इफ ही होल्ड द ग्लास क्लोज टू हिज आई व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. What is the linear magnification? तो उन्होंने आपको बताया कि एक आपके पास लेंस है जिसको इसलिए इस्तेमाल कर रहा है वॉचमेकर कि जो आपके पास वॉच है उसके अंदर जो उसका स्प्रिंग डैमेज है उसको चेक करने के लिए. तो अब सवाल क्या पूछा है कि फोकल लेंथ तो आपको बता दी कि वो 5 सेंटीमीटर है लेकिन आपने उस लेंस की मैग्निफिकेशन बतानी है और ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ होगा वो आपने बताना है. तो ये डी, तो आपको पता है कि डी बराबर होगा 25 सेंटीमीटर के और अगर हम क्यू को लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर. आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं या आप अगर चाहो तो लेंस फॉर्मूला लगा के पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q. 1 upon 5 is equal to 1 upon p plus 1 upon minus 25. Plus minus करेंगे minus हो जाएगा, इस value को हम left side पे ले आते हैं तो 1 upon f plus 1 upon 25 1 upon p. ये हो जाएगा 6 upon 25 1 अपॉन p और p की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आपके पास होगी 4.16 सेंटीमीटर. दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी है मैग्निफिकेशन, तो फॉर्मूला आपको पता है मैग्निफिकेशन का 1 प्लस d अपॉन f. 1 प्लस d की वैल्यू 25, f की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 6. तो मैग्निफिकेशन आपके पास क्या आ गया 6. तो दो क्वेश्चन थे, बाकी के इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन के अंदर दो चार क्वेश्चन और हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. तो ये आपके पास टॉपिक था सिंपल माइक्रोस्कोप.